आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो देख रहे हैं कि सोना चांदी शाम के कारोबारी सत्र में भी नरमी के साथ ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। सोना इस वक्त $1921 पर ट्रेड कर रहा है, आधे फीसदी की करेक्शन है। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर लगभग 0.25% की गिरावट के साथ $24.09 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देखने की जो सुबह वाले लेवल्स थे लगभग उन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द ही गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइजेज है इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब यहाँ से सोने चांदी में और गिरावट आएगी या फिर यहाँ से खरीदारी में रहा जा सकता है आगे तेजी के लिए, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजया जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। हाँ जी, नमस्कार। अमित जी, सबसे पहले बात करें यहाँ से अगर गोल्ड और सिल्वर की, तो हमने गोल्ड और सिल्वर में ऊपरी स्तरों से एक मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, आपको क्या लगता है इसके पीछे के रीजंस क्या हैं और क्या अभी यहाँ से जो सोने चांदी का बाजार है क्या अभी वो और टूट सकता है? जी देखिए, फेड की बैठक के पहले मेरा मानना है कि डॉलर इंडेक्स में थोड़े बहुत तेजी के आसार दिख सकते हैं, जिसका असर हमें गोल्ड और सिल्वर पे दिख सकता है। एडवर्स इंपैक्ट यानी सेल ऑन रैलीज हम करके चल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। पिछले एक हफ्ते में हमने वैसे भी काफी जबरदस्त एक करेक्शन देखी है, खास करके जब यूक्रेन और रशिया के साइड से जो एक्सेस प्रीमियम बिल्ड था, यानी जो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम के वजह से कच्चा तेल और गोल्ड दोनों ही बढ़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो एक प्रीमियम थी वो कम हुई है, जिसके चलते हमने एक ही हफ्ते में लगभग 3,500 पॉइंट गिरते हुए देखा है। और अब भी नियतम लोस के आसपास ही प्राइजेस और आज फैक्ट्री बैठक है, तो ऐसा लगता है वो इंटरेस्ट रेट वहां बढ़ा सकते हैं, जिसके चलते हम देखेंगे कि आज के सेशन में भी गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही प्रेशर बना रहेगा और उछाल पर दिखवाली आती रहेगी। जी, इसी के साथ अमित जी बात करें यहाँ से अगर आप क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में देख रहे हैं कि जो दोनों ही क्रूड ऑयल $100 के नीचे अब आ चुके हैं, आपको क्या लगता है? पहले जो बात कही जा रही थी कि क्रूड ऑयल $150 $180 तक पहुंच जाएगा या फिर उसकी वजह से पेट्रो डीजल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो क्या अभी भी ऐसी कुछ उम्मीद है कि कच्चा तेल एकदम से उछले या फिर जितनी तेजी आनी थी कच्चे तेल में आ चुकी है? देखिए जनरली जब से जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने ये जो बयान दिया कि सिर्फ यूएस ही रशिया से इंपोर्ट बंद करेगा या बैन करेगा और बाकी यूरोपियन देश जो है वो साथ नहीं देंगे, उसी दिन हमने कहीं ना कहीं कच्चे तेल में एक पीक आते हुए देखी, क्योंकि मार्केट को ये डर था कि यदि सारे यूरोपियन देश और यूएस रशियन क्रूड को बैन करते हैं तो कहीं ना कहीं 4 से 5 मिलियन बैरल पर डे का नुकसान हो सकता है सप्लाई में, और क्योंकि मार्केट पहले ही टाइट था तो 4 से 5 मिलियन बैरल 2 से 4 से 5% कमी को भर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो उसके चलते एक पॉसिबिलिटी थी कि क्रूड प्राइसेस जो है $150 से $170 भी हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन ये बयान आया कि सिर्फ यूएस ही बैन लगा रहा है जी, उसके बाद से टॉप आउट होते देखा और लगभग 30 से 32% का एक बड़ा फॉल हमने आते देखा है। शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्राइस एक्सट्रीमली ओवरबॉट से एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड चली गई है टेक्निकली, तो यहाँ से एक उछाल देखने मिल सकता है, एक बाउंस बैक देखने मिलेगा। तो अगर आप प्योरली 1 से 2 दिन की बात करें तो मुझे लगता है कि 7,000 से 7,000 सपोर्ट मिलने की गुंजाइश है और अपसाइड में 7,600 से 7,700 तक का एक पुल बैक हमें कच्चे तेल में देखने मिलेगा। जी अमित जी, बात करें यहाँ से अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने निकल में काफी अच्छी तेजी आते हुए देखी थी लेकिन फिर से वहां पे निकल का जो वायदा था वो बैन कर दिया गया एलएमई पर। आज भी कुछ समय के लिए एलएमई पर निकल की कारोबार शुरू हुआ था लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से फिर से बंद कर दिया गया। बाकी बेस मेटल्स में भी देख रहे हैं कि किसी में लाल तो किसी में हरा निशान है, आपको क्या लगता है अब किस बेस मेटल में अब सबसे ज्यादा तेजी रहेगी और किस में गिरावट?
जी देखिए, तेजी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक पुलबैक रैली डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में हमें कॉपर और जिंक में देखने मिल सकती है। कॉपर में एक उछाल हमने ऑलरेडी 785 के करीब से 802 तक आते हुए देखा है, और ऐसा लगता है ये जो तेजी है ये और बढ़ सकती है 807 से 808 तक के लिए। एक शॉर्ट टर्म डिप अगर 795 पे मिले, जो मेरा मानना है कि एक बार मिल सकती है, तो वहां पर बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है 807 से 808 के लक्ष्य के लिए कॉपर में। सिमिलरली एनसेक जिंक में अभी 316 के करीब प्राइस मिलती है, वहां पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 313-315 के स्टॉप के साथ, और अपसाइड में करीबन 322 का टारगेट लिया जा सकता है, यानी नया एक डे हाई बनने की पॉसिबिलिटी जिंक में बनी हुई है। जी अमित जी, खबर निकल के सामने आई है कि चाइना में फिर से कोरोना के जो केसेस हैं उनमें तेजी देखने को मिल रही है, तो इसका असर किन किन नॉन एग्री कम्युनिटीज पर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है? देखिए, चाइना जिन नॉन एग्री कम्युनिटीज का मेजर कंज्यूमर है, चाहे वो कच्चा तेल हो या फिर M6 कॉपर हो या ये तो कॉपर हो या फिर जिंक और निकल भी हो, ओवरऑल पर्सपेक्टिव यहाँ पर सबसे ज्यादा दबाव देखने मिलेगा, क्योंकि चाइना बेस मेटल्स का भी लार्जेस्ट कंज्यूमर है और कच्चे तेल का भी सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है दुनिया में, तो इन दोनों कमोडिटी काउंटर्स पे या सेक्टर्स पे आपको ज्यादा दबाव देखने मिल सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जी अमित जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगे नॉन एग्री कम्युनिटीज में आप? देखिए, मेरे ख्याल से आज के सेशन के लिए कॉपर और जिंक में उछाल आ सकता है, तो 795 के करीब कॉपर बाय किया जा सकता है 807 के लक्ष्य के लिए, और सिमिलरली जिंक 316 पे बाय करके 322 का टारगेट लिया जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की, यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे अमित जी से कि अब एग्री कम्युनिटीज में कहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे ग्वार कॉम्प्लेक्स से। अमित जी, जब रशिया यूक्रेन के बीच वॉर स्टार्ट हुआ था, तब हमने कच्चे तेल के प्राइसेस हाई जाते हुए देखे थे, लेकिन उस दौरान हमने ग्वार के प्राइसेस तब भी डाउन देखे थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है और अब ग्वार की प्राइसेस अप जा रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है ये जो अब उल्टा कनेक्शन बन रहा है, तो ऐसे में ग्वार की कीमतों में अब आगे कैसा रुझान रहेगा? जी डेफिनेटली एक रिवर्स कोरिलेशन हमने देखा है, क्योंकि उस टाइम पे एक पॉसिबिलिटी लग रही थी कि रशिया के कच्चे तेल की जो उत्पाद है, जो प्रोडक्शन है, उसमें एक कमी आ सकती है, जिसके चलते हमने ग्वार कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा फॉल आते हुए देखा, क्योंकि जिस दिन कच्चा तेल एक्चुअली बड़ा था उसी दिन हमने देखा था कि ग्वारदम और ग्वारशीट दोनों में ही लोअर सर्किट लगे थे, लेकिन उस दिन के बाद जैसे ही कच्चे तेल में टॉप हो गया है, उसके बाद हमने अच्छा खासा रिबाउंड ग्वारदम ग्वारशीट दोनों में ही आते हुए देखा है, तो इसके चलते मेरा मानना है कि एक अपसाइड मूव जो ये शॉर्ट कवरिंग है या फिर बाइंग भी कह सकता हूँ ऐसे इमर्ज हो रही है ग्वार कॉम्प्लेक्स में, वो सस्टेन्ड होगी। शॉर्ट टर्म बेसिस 11,700 का एक व्यू लिया जा सकता है, यानी 3 से 4 दिन का अगर मैं पर्सपेक्टिव दूं ग्वारदम में, और सिमिलरली ग्वार सीड में मुझे लगता है कि 6,350 से 6,400 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे। तो दोनों ही ग्वारदम और ग्वार सीड में फिलहाल ये जो तेजी है, एक ब्रीफ पॉज जो आया है 2 दिन में, उसके बाद मुझे लगता है तेजी जारी रह सकती है। जी इसी के साथ अमित जी, बात करें अब यहाँ से बिनौला खल की कॉटन सीड ऑयल केक की, तो हम देख रहे हैं कि 3100 के लेवल्स पर ही स्टक हो गया है, आपको क्या लगता है क्या अब बिनौला खल में यहाँ से तेजी की उम्मीद अभी व्यापारी कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि पहले तो हमने 3400 तक के लेवल देख लिए थे, लेकिन उसके बाद से हमने फिर तेजी नहीं बनती देखी, फिर हमने एक सीमित दायरा ही देखा है, काफी लंबे समय से बिनौला खल में सीमित दायरा है, तो क्या बिनौला खल में तेजी की उम्मीद कुछ बाकी है? देखिए, पोजिशनल बेसिस से मेरा मानना है अभी भी बाकी है, क्योंकि 2900 के जो सपोर्ट है उसके नीचे भी नहीं जा पा रही है प्राइस, यानी वहां पर हमें जो मांग है वो भरते हुए दिख रही है। अगर मैं वेरी शॉर्ट टर्म की बात करूं तो ऐसा लगता है कि दोबारा हमें 1970 से 1980 के दाम दिखेंगे, लेकिन वहां से मैं कर सकता हूँ कि बाइंग फिर से इमर्ज होगी। इमीडिएट तौर पे 3200 का एक लेवल है जिसके ऊपर अगर प्राइसेस निकलती हैं तो दोबारा तेजी आने की संभावना बनी हुई है, और अब भी मैं यही कहूंगा कि 3500 से 3550 का जो मेरा व्यू है वो इंटैक्ट है जब तक 2900 के नीचे प्राइसेस नहीं जाती। जी तो अमित जी, ये जो आपका जो लेवल है ये कब तक अचीव होता हुआ नजर आ सकता है, कुछ टाइम फ्रेम है? देखिए, फिलहाल तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि मार्च तक ये लेवल आ जाने चाहिए, लेकिन इस महीने ऐसा नहीं लगता कि ये लेवल आएंगे,
मैं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हफ्ते की और समय में दे सकता हूँ। अगर अप्रैल मिड तक ये लेवल आते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि काफी समय ऑलरेडी बीत चुका है, लगभग 1 महीना हो गया कि हम लगभग 3300 से 2900 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगले 3 हफ्तों के अंदर अंदर दोबारा तेजी के आसपास जी। इसी के साथ अमित जी बात करें यहाँ से, अगर आप मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो मसालों में देख रहे हैं कि आज और ज़्यादा नरमी देखने को मिल रही है, चाहे धनिया हो, जीरा हो, हल्दी हो, पहले के मुकाबले जो गिरावट है वो थोड़ी और आती जा रही है। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शादी ब्याह का माहौल भी है भारत में, और दूसरा रमज़ान का भी महीना है, होली भी है, तो ऐसे में मसालों की जहाँ पर कंजप्शन बढ़नी चाहिए थी, जहाँ पर कीमतें बढ़नी चाहिए थी, तो ऐसे में देख रहे हैं कि यहाँ पर वायदा में गिरावट बनती नज़र आ रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या अभी माहौल ऐसी गिरावट वाला बना रहेगा या फिर आगे तेजी भी आएगी? मेरा मानना है कि तेजी जारी रहेगी। अभी भी हमने देखा कि लगभग 19,500 से 31,700 तक की कंटिन्यूस एक तेजी हमें देखने को मिली। उसके बाद मैं समझता हूँ कि आज और कल में जो गिरावट आई थी 2 या 3 सेशंस में, वो एक प्रॉफिट बुकिंग थी, यानी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे जिन्होंने लिया था उन्होंने मुनाफा वसूली कर ली है। अगर प्राइजेस 19,800 के ऊपर होल्ड करने में कामयाब होती हैं, जो मुझे लगता है हो जाएंगी, तो हमें बहुत ही जल्द 21,200 के तो स्तर देखने ही मिलेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि 22,000 तक के भी स्तर देखने मिले। तो जीरे में मैं फिलहाल ये नहीं मानता कि मंदी हावी हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये प्रॉफिट बुकिंग है और उसके बाद हमें जल्द ही तेजी के जो लेवल है वो देखने मिलेंगे। उसी प्रकार अगर मैं हल्दी की बात करूं तो हल्दी में जो करेक्शन है डेफिनेटली गहराई है, और हमने देखा कि लगातार जो 9,000 के लेवल थे उसके भी नीचे चले गई है। लेकिन यहाँ से अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो मैं और डाउनसाइड की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। एक पुलबैक रैली 9,100 तक हमें हो सकता है कि एक हफ्ते में देखने मिल जाए, तो मैं हल्दी में भी यही समझता हूँ कि यहाँ से इंक्रीमेंटल डाउनसाइड या और ज्यादा जो गिरावट है वो नहीं देखने मिल सकती, और एक पुलबैक हमें 400 पॉइंट का पुलबैक एक हफ्ते के अंदर अंदर देखने मिल सकता है जी। अमित जी बात करें यहाँ से, अगर आप कैसे सीड की, तो कैसे सीड देख रहे हैं 7200 के ऊपर सस्टेन है काफी लंबे समय से, आपको क्या लगता है कि कैसे सीड 7500 का भी लेवल टच कर पाएगा? यस, पोजिशनली यस, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ समय और ये दायरे का कारोबार रहेगा, जहाँ पर जो दायरा है वो 7,000 से लेकर 7,350 का होगा। बहुत बड़ी तेजी हमने देखी थी लगभग दिसंबर से लेकर लगभग मार्च बिगनिंग तक, तो 3 महीने या 2 से 2.5 महीने की लंबी तेजी के बाद जहां पर दाम 5,700 से 7,300 हो गए, उसके बाद एक मुनाफा वसूली का दौर देखने मिला है। लगभग 2 हफ्ते हो गए कि हम कंसोलिडेशन में ही जो है प्राइजेस ट्रेड कर रही हैं, और मुझे लगता है एक हफ्ता और ऐसा रुख रहेगा जहां पर 7,000 की सपोर्ट मिलेगा और 7,330 के करीब रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आप उससे लंबी अवधि की बात करें, यानी 2 से 3 हफ्तों की बात करें, तो ये 7,500 से इवन मैं कहूंगा कि 7,700 तक के स्तर भी यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो ओवरऑल जो नजरिया है वो तेजी का बना हुआ है जी। इसी के साथ अमित जी बात करें यहाँ से, अगर आप M6 कॉटन की, तो M6 कॉटन में हमने फिर से तेजी लौटते हुए देखी है, देख रहे हैं M6 कॉटन आज के सेशन में 38,800 का हाई लगा चुकी है, आपको क्या लगता है, क्या 39,000 या 40,000 के भी M6 कॉटन में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं हम? जी पोजिशनली यस, क्योंकि एक बहुत बड़ी करेक्शन के बाद जहां पर 38,600 से 35,600 तक प्राइस आ गई थी, हमने एक फिर से रिबाउंड आते हुए देखा और दोबारा जो पिछले हाई थे वो रिगेन हो गए हैं। मेरा मानना है 40,000 के लेवल अभी भी पेंडिंग है, जो काफी पहले से एक व्यू मैं रख रहा हूँ, तो इस बार इस रैली में 40,000 से 40,200 तक के स्तर में देखने मिल जाएंगे। अगर कोई फ्रेश एंट्री कर रहे हैं तो पोजिशनल बेसिस पे 37,500 का एक स्टॉप लॉस होना जरूरी है, और इमीडिएट टारगेट 39,300 और उसके बाद 40,200 के दिए जा सकते हैं जी। अमित जी बात करें यहाँ से, अगर आप सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने 7,900 के बाद कुछ करेक्शन आते हुए देखी है वायदा बाजार में NCDX पर, आपको क्या लगता है, US सोयाबीन वायदा भी हल्का सा स्लिप हुआ है, शिकागो एक्सचेंज और बाकी एक्सचेंजेस पर भी सोयाबीन के जो प्राइजेस हैं उनमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है, और बाकी एडिबल ऑयल पैक में भी हल्की हल्की नरमी आते हुए देखी है, तो ऐसे में क्या अभी सोयाबीन का बाजार कुछ समय के लिए गिरावट की ओर जा सकता है, क्या नरमी आ सकती है, या फिर यहाँ से जो सोयाबीन है वो लगातार तेजी की ओर ही बनी रहेगी?
जी ऐसा लगता है कि क्योंकि एक लगातार तेजी 6000 से लेकर लगभग 8000 तक हमने वायदा बाजार में आते हुए देखी है और ऑफिशियली स्पॉट मार्केट में भी आते हुए देखी है, तो उसके बाद एक दायरे का कारोबार मैं रूल आउट नहीं करूंगा। अब ये दायरा जो है वो 7200 से लेकर 7800 का हो सकता है, लेकिन रुझान फिर भी तेजी का रहेगा, यानी एक ब्रीदर जिसे हम कहते हैं पॉज के बाद में दोबारा तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भारतीय बाजारों में दोनों में ही लौट सकती है, लेकिन कुछ समय तक, यानी अगेन यहाँ पर 2 हफ्ते के लिए अगर मैं बात करूँ तो निश्चित स्तरों के आसपास 7200 और ऊपर में 7800, ये दो लेवल इम्पोर्टेंट होंगे और इसी बीच कुछ समय और कारोबार होंगे। जी अमित जी, मैंथा ऑयल में क्या लगता है आपको, मैंथा में कैसा कारोबार रह सकता है? जी देखिये, मैंथा ऑयल में तेजी के असर है, हमने ऑलरेडी एक हफ्ते या 10 दिन पहले अचानक से बाइंग जो है इमर्ज होते हुए देखी, 990 से लेकर 1060 तक प्राइस चली गई थी और उसके बाद एक दायरे में सीमित होकर रह गई है 1010 से लेकर 1050 के बीच, बट मेरा मानना है ये दायरा निकलेगा और ऊपरी तरफ निकलेगा, 1075 तक के स्तर हमें देखने मिलेंगे और एक्सट्रीम केस में 1110 के भाव भी देखने मिल सकते हैं, तो मैं तेजी करना प्रेफर करूंगा इन इस कंसोलिडेशन फेज में भी। इमीडिएट तौर पर 1010 के नीचे जब तक डेली क्लोजिंग नहीं आती तब तक मैं बाइंग में रहना प्रेफर करूंगा। जी अमित जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगे आप? टॉपिक्स मेरे ख्याल से मिलता ही लिया जा सकता है और सेकेंडली मैं समझता हूँ कि M6 कॉटन में बाइंग की जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।